हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे। आज हम लोग औषधीय वनस्पति हरा सरीवा के बारे में जानकारी लेते हैं। सरीवा से अक्सर लोग परिचित हैं, परंतु क्या होता है कि सरीवा का और भी मतलब उसके जो उसके कुल के जो और भी लोग होते हैं नस्ल सरीवा के, तो वो होता है जैसे रक्त सरीवा, सफ़ेद सरीवा है ना, इस प्रकार से। तो हरा सरीवा भी होता है, तो ठीक है। तो आज के विषय में हमारा है हरा सरीवा। ये कहाँ होता है मित्रों? जलीय वाले क्षेत्र में, नदी नाले वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यह कब होता है? जैसे ये आपको अगर ये मिलेगा अक्सर आपको फरवरी से लेके ये अप्रैल मई तक, ठीक है। उसके बाद फिर वर्षा ऋतु में इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, फिर सड़ने लगती हैं, ठीक। इस प्रकार से इसकी अवस्था है। तो पहले मैं इसकी पहचान करा दे रहा हूँ, उसके बारे में आपकी इसके औषधीय गुणों के बारे में विवरण करूँगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये है इसके मूल भाग है ना, जड़ वाले, और इस प्रकार से ये इसके पत्तियाँ हैं, ठीक है। पृष्ठ भागों में इसके ऐसे रहेंगे है ना, और हल्के से रोमस लिए इसके डंठल रहेंगे, और ऐसे जमीनी सतह से लिए हुए लतेदार इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना। जैसे वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया है ना। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप सरीवा के बारे में जानते होंगे, तो सरीवा के जैसे ही उसकी पत्तियां तोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से अगर पत्तियां तोड़ते हैं, तो सरीवा के और सरीवा फैमिली के जो और भी जो सरीवा होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सफ़ेद जैसे दूध जैसे द्रव्य निकलते हैं, परंतु जो ये जो सरीवा है, हरा सरीवा, उसको उस प्रकार से दुग्ध नहीं निकलते हैं, हल्के टाइप से एकदम निकलते हैं, ना के बराबर है ना। तो इसमें ज़्यादा दुग्ध जैसे द्रव्य पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ हरा सरीवा में। परंतु इसका औषधीय गुण बहुत ही रामबाड़ा है, ठीक है। तो आज के विषय में हमारा है हरा सरीवा, ठीक है। तो हरा सरीवा का बारे में पहचान करा दिया। अब इसके औषधियों जो इसके बारे में जो है, पंचांग कहने का मतलब है, जो औषधीय गुणों के बारे में जो जानकारी है, तो आप औषधीय प्रयोग करिएगा तो इसका पंचांग प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये जड़ वाले मूल भाग का, जड़ वाला अगर जड़ का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो ये मिट्टी से कम कुछ नीचे वाले भागों का जड़ प्रयोग का प्रयोग करिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसके जो छिलके होते हैं तना जैसे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो इसके लता के जो मूल भाग होते हैं, कोपले पतले पत्तियाँ, उसका प्रयोग कर सकते हैं नए पत्तियों का, ठीक है। तो औषधि समीकरण में इस प्रकार से रहा। अब इसके बारे में इसका पंचांग का प्रयोग आप कर सकते हैं। फूल भी इसके मंजरी के रूप में निकलते हैं, ठीक है मित्रों। तो फूल, जड़, पुष्प, पत्तियाँ और तना, मतलब पंचांग इसका प्रयोग कर सकते हैं औषधि प्रयोग में, ठीक है। अब इसका औषधि प्रयोग क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है चर्म रोग में, ठीक है, और किसी भी प्रकार से चर्म रोग हो, उस चर्म रोग में इसका औषधि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज्वर रोग, साधारण ज्वर हो, वो फिर या फिर पुराना से पुराना ज्वर हो, उस प्रकार में इसका, क्योंकि ये हरा सरीवा जो है वो बहुत ही बलवर्धक है, और हमारे जो बाकी बॉडी एक्टिवेशन को बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, और साथ में हमारे नाड़ी तंत्र को भी मजबूत करता है, इंट्राविनस मजबूत है ना, नसों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से आपके बॉडी एक्टिवेशन को बढ़ाता है, और फूड सप्लीमेंट का बहुत ही ज़ोरदार काम करता है औषधीय के साथ भी, है ना। तो आपके उसके बाद फिर होता है वीर्य दोष। किसी भी प्रकार का नपुंसकता, वीर्य दोष का बीमारी हो, शुक्र रोग, वीर्य दोष, तो उस प्रकार से इस पर बीमारियों को ये दूर करता है मित्रों, है ना, औषधि समीकरण में। और उसके बाद होता है बलवर्धक, मतलब शारीरिक रूप से भी और मतलब मानसिक रूप से भी एक प्रकार से दिव्य बल प्रदान करता है ये, ठीक है। अब जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो, साइटिका, जोड़ों के दर्द, दर्द जोड़ों के दर्द में सूजन हो चुका है, जहाँ जोड़ों का दर्द है, ठीक है, और वो पैर रख जमीन पर नहीं रखने देते हैं, उस अवस्था में क्या होता है, अलसी के तेल में ये जो मूल भाग होता है मित्रों, है ना, ये हरा सरीवा का नीचे वाला भाग लेके, और फिर अगर मंजरी इसके मिल जाती है पुष्प सहित, और नहीं तो फिर ये तना है ना, ये तना का भाग और ये पत्तियाँ, अगर आपके अलसी तीसी के तेल में अगर आप उसमें प्रयोग करते हैं, तो वो आप सूजन और दर्द जो होता है जोड़ों का, वो दूर हो, ये मतलब दूर हो जाता है मित्रों, ठीक है। तो जोड़ों के दर्द में इसका बहुत ही रामबाण प्रयोग किया जाता है। पीलिया रोग, किसी को पीलिया या जॉन्डिस प्रकार से बीमारियां हो, तो क्या किया जाता है कि इस जड़ के भाग को, क्योंकि मैं बहुत जगह देखा हूँ किसी को, या फिर ऐसी औषधि प्रकरण में, या पीलिया का रोग ठीक नहीं होता है और ठीक होकर फिर वापस आ जाता है, तो इसके जड़ के मूल भागों को आप ऐसे घिस के किसी चंदन की तरह या लेप बना लीजिए, फिर नाभि में या गुप्तांगों में लगाइए, और पिंडू और फिर पित्त के पास, क्या मतलब सीना सीना जहाँ सटती है बीच में वहाँ पर, ठीक है, तो सीना के पास। तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर में जो होता है नाभि में लगाने से, इससे केवल जड़ के लगाने से आपके शरीर में जो
हेमोग्लोबिन की मात्रा जो घटते चले जा रही है, या फिर खून नहीं बन रहा है, वो बनना चालू हो जाता है मित्रों। ये मैं बहुत बार देखा हूँ, फिर और भी वैद्यों के पास है ना, फील्ड में जाते हैं तो ऐसे है ना। तो और सबसे बड़ी चीज़ और रही कि किसी को अगर फेफड़ों में कफ बढ़ गया है, पुराने से पुराने कफ, क्योंकि कहने का मतलब है अगर किसी को सर्दी खांसी हो जाता है और वो एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो फेफड़ों में कफ बैठ जाता है, ठीक है। तो फेफड़ों में कफ बैठ जाने से वो बीमारियाँ उनका दूर नहीं होता है, हमेशा कफ उनका बलगम ग्रुप में निकलते रहता है धीरे धीरे, वो बहुत परेशानी का चीज़ है। तो उस अवस्था में भी इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है, फेफड़ों के कफ जो बैठ जाते हैं उसमें, ठीक है मित्रों। बहुत ही दिव्य औषधि है। और उसके बाद होता है सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा जैसे भी बीमारियां होती हैं किसी भी प्रकार से, तो उसमें भी इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो और भी इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से। जैसे एक चीज़ और है हरा शरीवा के बारे में, अगर आप किसी भी प्रकार से पूरे शरीर में अगर पेन रिलीफ भी है, कहने मतलब दर्द निवारक है, अगर किसी के शरीर में पूरी तरह से अगर दर्द देता हो तो इसके पंचांग का तेल बना लीजिए, ठीक है। और तेल बनाने के साथ पूरे शरीर में मालिश करिए, उससे क्या होता है आपके शरीर में स्फूर्ति और ताकत है ना बहुत ही ज़ोरदार मजबूती देता है इसमें। देहात में और भी वैद्य लोग की जानकारी के अनुसार मैं अपने जानकारी को केवल शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हरा शरीवा के आज के विषय में हमारा था, हरा शरीवा के बारे में, ठीक है। तो चैनल के माध्यम से आज के विषय में है हमारा हरा शरीवा। तो और भी इसके बारे में एक और दिव्य वर्णन मैं कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ जैसे कहने का मतलब होता है अगर किसी को भी माइग्रेन डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो माइग्रेन डिप्रेशन की बीमारी होती है तो सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, जैसे इस पत्तियों को कोपले या जैसे ये जो हरा शरीवा है ये पत्तियाँ ले लीजिए, मुलायम पत्तियाँ, और उसको एक लुगदी बना लीजिए, हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए तवे में, जहाँ जैसा भी आपके पास व्यवस्था हो, और उसको सूती कपड़ा में बांध लीजिए और हल्के से उस चीज़ का सेकन करिए, तो उसे माइग्रेन डिप्रेशन और कपारी जैसी बीमारी केवल सेकन से ही दूर हो जाता है। बहुत ही इसके बारे में दिव्य औषधि है, मैं इसके बारे में देखा हूँ कहीं भी कि बिना दवा खाए भी इस प्रकार से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं मित्रों, है ना, पहली बार देखा था, ठीक है। तो अब चैनल के माध्यम से आज के विषय में हमारा था हरा शरीवा। तो चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी कोशिश रहेगी और भी दिव्य सिद्धि औषधियों का मैं संग्रह और पोस्ट कर सकूं, और कमेंट करते रहिए ताकि और भी इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो प्लीज़ हमें शेयर करिए, और मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।